आखिर ये कौन सा स्कूल है जो फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लेता है? और भैया मूवीज के स्टार्टिंग में इस अ का मतलब क्या होता है? और आखिर कौन है ये महिला जो रातों रात अपनी ही शादी से वायरल हो गई? अगर ये जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 5, भैया जब भी हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज के स्टार्टिंग में इस सर्टिफिकेट में जो अ लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है? देखो भैया ऐसे तो दो टाइप्स के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला अ, इसका मतलब इस मूवी को कोई भी देख सकता है। दूसरा होता है वह, इस सिंबल का मतलब है कि 18 प्लस वाले ही इस मूवी को देख सकते हैं। नंबर 4, जैसा कि भैया आप जानते हैं कि फॉग इंडिया में एक फेमस परफ्यूम ब्रांड है। हम में से 90% लोगों ने इस परफ्यूम का यूज किया है। लेकिन क्या आप फॉग परफ्यूम का फुल फॉर्म जानते हैं? तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ गुड गाइस। और कमेंट में बताना क्या आप ये जानते थे। नंबर 3, भैया क्या तुमने कभी सोचा कि आईफोन्स में एसडी कार्ड क्यों नहीं होता? भैया इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। दरअसल पहली बात तो ये, एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल के परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में जानी जाती है। ऐसे में अगर एप्पल फोन्स में मेमोरी कार्ड डालने लगे तो कई लोग मार्केट से सस्ते मेमोरी कार्ड लेकर फोन्स में यूज करेंगे, जिससे मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस लेवल स्लो हो जाएगी और मार्केट में कंपनी का नाम भी खराब होगा। इसीलिए आज तक आईफोन में एसडी कार्ड नहीं दिया गया है। नंबर 2, भैया इस फैक्ट को देखने के बाद आप मुझे सल्यूट करोगे, क्योंकि क्या आप जानते हैं आसाम में एक ऐसा स्कूल है जो गरीब बच्चों से फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लेता है ताकि वो बच्चे पढ़ सके और इको सिस्टम भी क्लीन रहे। और भैया एक लाइक तो बनता है यार इस स्कूल के लिए। नंबर 1, भैया आखिर ये कौन सी दुल्हन है जो अपने ही शादी में डांस करके रातों रात वायरल हो गई? और आपने भी इसे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो भैया ये वीडियो है राजस्थान की, जिसमें इस भोजपुरी गाने को बजाया गया था, जिसमें इस महिला ने तगड़ा डांस किया है। अगर भैया आपको इस महिला की इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो कमेंट में बताना मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो।